अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू ताबीर फैमिली व्लॉग। तो पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, आओ मेरे साथ बनाए आज एक वेज रेसिपी खास। यह हमने 1 kg स्पॉन्ज गॉड लिए हैं, इसे हिंदी में चिकनी तुरई भी कहते हैं। इसका छिलटा हम अच्छे से निकाल कर लेंगे इस तरीके से, एकदम पतला पतला लेना है हमें। कॉर्नर्स को फेंक देंगे और हम इसे ऐसे नहीं रखेंगे, इसे हम पानी में रखेंगे। हम इसको ऐसे ही रखेंगे ना तो ये ब्लैक हो जाएगी, इसीलिए हम इसे इस तरीके से पानी में कट करेंगे, क्योंकि इसको बाहर रखेंगे ना तो ये ब्लैक पड़ जाएगी, इसीलिए इसको पानी में रखना है तो ये अच्छी रहती है वाइट वाइट। ये हमारी रेसिपी में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स, ये मैंने 3 टोमेटो लिए है, उसे बारीक कट कर लिया है। ये मैंने 2 ऑनियन लिए नॉर्मल साइज़ की, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। ये हमें थोड़ी सी कोथमीर लगेगी, ये कड़ी पत्ता, ये चटपट मसाला, ये थोड़ा मैंने ज़ीरा लिया है, ये लहसुन मिर्ची का पेस्ट है, चिली गार्लिक पेस्ट, और ये तुरई जो हमने कट करके रखी है, और हमें इसमें हल्दी लगी। ये हमने पैन गैस पर रख दिया है और इसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब हम इसको अच्छे से गरम होने देंगे। सबसे पहले हम इसमें कड़ी पत्ते को ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता और जीरे को ऐड करेंगे और कड़ी पत्ता अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें ऑनियन को ऐड करें। हमने ऑनियन को ऐड कर लिया है। अब ऑनियन को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का गोल्डन ब्राउन। फिर इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे आपके ऊपर। ये देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटो को ऐड करेंगे। ये इसमें हमने टमाटो ऐड कर लिए हैं जो कटिंग करके रखे थे। अब इसे हम थोड़ा गलने देंगे। अब इस स्टेज पर हम इसमें हल्दी और नमक को ऐड। मैं नमक अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये मैंने 2 टेबल स्पून नमक इसमें ऐड कर लिया। ये देखिए मैंने इसमें नमक और हल्दी को ऐड कर लिया है। अब टोमेटो को हम थोड़ा गलने देंगे। अब इसमें हम ये चटपट मसाला और हमारी चिल्ली गार्लिक के पेस्ट को पूरा डाल देंगे। हम थोड़ा तीखा खाते हैं, आप अपने हिसाब से चिल्ली का यूज़ कीजिएगा। अब हम इसे थोड़ा पकने देंगे। ये हमने तुरई को अच्छे से वॉश किया और उसमें हमने कोथमीर को भी कट करके ऐड कर लिया है। दोनों को साथ में अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें अपनी तुरई को ऐड करेंगे। ये आपको दिख रहा है इतना सारा, बट ये बनने के बाद ना इतना सा थोड़ा सा ही हो जाएगा, क्वांटिटी एकदम कम हो जाएगी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम बिल्कुल वाटर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका वाटर खुद रिलीज होता है, और उसे अच्छे से हम सुखा लेंगे, फिर आपको रेडी होने के बाद मिलेंगे। ये देखिए धुएँदार सब्ज़ी, देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। इसकी क्वांटिटी देखिए कितनी कम हो गई है, कितनी सारी थी, बहुत कम हो गई इसकी क्वांटिटी। चलो फिर हम मिलते हैं आपको दस्तरखान पर।
दस्तरखान लग चुका है, अरहान स्टार्ट कर रहा है। अरहान टेस्ट करके बताओ कैसा बना है, तुम्हारा फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। सच में? तो चलिए, सब्ज़ी अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दिल को अच्छा लगता है।